दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो भी है उसका बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, इवोल्यूशन मींस उद्भव। तो बहुत ही छोटा है, उसको देख लेते हैं। छोटे के साथ साथ ये क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? किसने? लैमार्क ने। हो सकता है आपको डार्विन के साथ कन्फ्यूजन हो, तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, पर सबसे पहले की अगर बात हो तो कौन दिया था? लैमार्क। लैमार्क नेक्स्ट है, लैमार्क बाद का मूल सिद्धांत क्या था? उसमें था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, मीन्स लक्षण के आधार पर उन्होंने वंश को डिफाइन किया था। ठीक है ना, लक्षण के आधार पर, ये याद रखना है। किसके आधार पर? लक्षण के आधार पर। आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट है, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? किसने कहा था? डार्विन। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, अगर विकास के सिद्धांत की बात हो, इवोल्यूशन की बात हो, तो उसमें डार्विन का प्रमुख योगदान माना जाता है। हालांकि कई सारे साइंटिस्ट ने इनका विरोध किया है कि इनका थ्योरी गलत है। आगे क्या होता है तो वो तो बाद में पढ़ लेंगे उसके बारे में, पर अभी हमको क्या पढ़ना है, डार्विन के बारे में ही पढ़ना है। आंसर क्या होगा? बी, डार्विन। फिर है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किन्होंने किया? डार्विन ने ही किया, योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन मीन्स म्यूटेशन के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो म्यूटेशन के जो है वो डी ब्रीज। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग का मतलब जो कार्य में समान हो, रचना में नहीं। ठीक ना, कार्य में समान हो, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये क्या होना चाहिए? कार्य में समान होना चाहिए, समरूप अंग का मतलब हुआ। नेक्स्ट है, अगर बात करें समजात अंग, तो समजात अंग में होता है रचना के समान, रचना में एक समान हो, सेम हो, तो सेम कहेंगे समजात। ठीक ना। नेक्स्ट है, 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति इन्होंने दिया था, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिया था, और इन्होंने कुछ ये भी दिया था कि ये यहाँ पे दे ही दिया गया है कि अपार्जित लक्षणों का वंशानुगत, तो ये दोनों इनका था ही। नए अंगों का आविर्भाव, ये भी सही है। जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक ना, तो अगर आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि लैमार्क कहाँ के साइंटिस्ट थे, लैमार्क तो कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। और प्रथम कब किया, तो 1819, ये आपसे कम पूछा जाए, पर ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो उनमें द्वारा अंगों का उपयोग व अनुपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया था, और जो भी है सामर्थ्य की उत्तरजीविता, नए जातियों की उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, ये सारे किसने किया था? डार्विन के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक काफ़ी फेमस हुआ डार्विन द्वारा। इन्हीं के चलते इन्हें मीन्स इसका फादर कहा जाता है, एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है डार्विन को। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग होता है? अवशेषी अंग इनमें से किसके पास होता है? सामने वाले चपटे दांत को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें दिया गया था कि मनुष्य में अवशेषी दांत या अंग नहीं है, तो चपटे दांत क्या है? अवशेषी अंग नहीं है। और निकेटिंग पर्दा, कर्णब मांसपेशी और वर्मी फॉर्म एपेडिक्स क्या है? ये सब अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग का मतलब है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कुछ अपने अंदर लाते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो किए थे डी ब्रीज ने। कौन? डी ब्रीज। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं प्रक्रिया में समानता रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समजातंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किसमें? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। आंसर हमारा ये सही है। जीव की उत्पत्ति हुई है,
जीव की उत्पत्ति किससे हुई, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं, ये हुआ है जल से, जल से। फिर है, जीव की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था, तो कौन सा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, ऑक्सीजन ही नहीं था। फिर है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा था, तो जब विकास धीरे धीरे हुआ तो उस टाइम में सबसे निकटतम प्राणी कौन सा था, वो था बंदर, बंदर जिसका एक्टिविटी या सब कुछ क्या था, मनुष्य से मिलता था। मनुष्य में अवशेषी अंग है, तो ये हम पहले पढ़े थे कि दांत तो उसमें से होगा, मीन्स जो अवशोषित करता है वो होगा कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव पेशियां, वो पिछले वाले प्रश्न में था। फिर है, जैवों का विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो कौन सा है, सलामेंटर फिर अजगर उसके बाद कंगारू, सलामेंटर अजगर फिर कंगारू, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो ये था इस वीडियो का एंड, 19 प्रश्न थे इसमें, तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।